अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 15th में फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है, और इस वक्त मैं एराकुंडा आई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं 35 घर की औरतें हैं यहाँ पर, जिनको राशन तकसीम किया जा रहा है खिदमत वफा वशीन की तरफ से। और ये सब कुछ आप तमाम लोगों की सपोर्ट और दुआओं का नतीजा है। और बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग और भी कई सारे लोगों को मदद देना है, तो आप लोग ऐसे लोगों के लिए मदद दे सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो पैकेजेस ही बनाकर दे सकते हैं, लेकिन पैकेज में आप प्लीज़ खजूर का पैकेट डालना ना भूलें, क्योंकि हम हर घर के लिए जितने भी पैकेजेस बना रहे हैं उन्हें खजूर भी ज़रूर दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो देखिए, चावल के थैले से भी आप लोग ऐसे मदद करेंगे तो हम खुद ऐसे पार्सल ही बनवा लेंगे। और एक बात आपको बार बार मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी जो रमज़ान की जो ज़कात है, वो ज़कात के ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़कात के हकदार हैं, तो आपकी ज़कात ऐसे सही हकदार तक पहुँचेगी तो बेहतर रहेगा। आपको खुद भी एक इत्मीनान रहेगा कि वाकई में कई हकदार हैं, कई ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जिन्हें आपकी ज़कात पहुँची है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो घरों में रहते हैं, जिनके शौहर रोज़ कमाने जाते थे, लेकिन इस वक्त नहीं कमाने के ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बाद लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाकर कहीं भी जाकर लेना करना एक शर्मिंदगी से। कई ऐसी बहनें हमारी जो घरों में रह रही है, शर्मिंदगी से रह रही है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही है, तो बस हम ऐसे कई सारे घरों को राशन तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआएं होना बहुत जरूरी है। मेरे पास स्टॉक पूरा खत्म हो चुका है, जो भी है आपके जरिए ही मम्मियों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आप लोग जैसे चाहें उनके लिए मदद दे सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद। Thank you.